अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति तो करते थे, उनके पिताजी ने भी तुष्टिकरण में ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर जहां मुख्य आरोपित मुर्तजा अब्बासी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुर्तजा को दोषी मानने के लिए राजी नहीं। उन्होंने इस पर ट्वीट कर कहा कि मुर्तजा एक मनोरोगी है, इसलिए इस मामले में जो भी जांच की जाए वो इसे ध्यान में रखकर की जाए। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को कौन बताए कि आतंकवादी तो होते ही मनोरोगी है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति तो करते थे, उनके पिताजी ने भी तुष्टिकरण में ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन पहली बार मालूम हुआ कि वो मानसिक चिकित्सक भी हो गए। अब सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं उस मुर्तजा को जिसने आतंकी हमले किया। ये देश का दुर्भाग्य है, वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर। लेकिन गिरिराज जी, जिस तरह से अभी जाँच चल रही है और उसमें इस तरह की बातें, मैं तो कहता हूं कि ये वोट के खातिर तुष्टिकरण की राजनीति में इनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोली चलाई, अब उनके पक्ष में ये खड़े हो रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जैसा कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने कैसे कहा है कि सपा का काम हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करना रहा है, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहे हों या सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, दोनों के दौर में ही तुष्टिकरण की राजनीति की गई। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।